बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आगाज़ करते हैं सुबह का अल्लाह के नाम से और दुरूद शरीफ पढ़े, सलातो सलाम पढ़े। मैं बच्चों को नाश्ता रेडी करी थी, मैंने सोचा छोटे सा मिनी ब्लॉग बना लेते हैं आप लोग के साथ। और अभी इस वक्त बच्चों को भेज रही हूँ, लंच तैयार कर रही हूँ उनका, और फिर इंशाल्लाह मिलते रहेंगे आपके साथ। आज का पूरा दिन ब्लॉग आपका, आज का पूरा दिन आप लोगों के साथ, और चलते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए एक मग में चाय निकाली थी, और एक मग में मेरी थी और एक मग में सोहेल की थी। बच्चों को अलग अलग चाय नहीं देती हूँ, उनसे बोलती हूँ कि एक मग में ही आप लोग शेयर करें, अच्छी बात होती है शेयरिंग करना। और बच्चे यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे जल्दी जल्दी, मुंतहा जो है काफ़ी नखरे दिखा रही थी, तो उस मुंतहा ने नाश्ता नहीं किया था, जस्ट केक खाया था। और बच्चों को रात में ही पूछ लेती हूँ कि सुबह लंच में क्या लेके जाना है, तो कभी कह देते हैं नगेट्स लेना है, कभी मैक्रोनी लेनी है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसी पर थी कि मम्मा आप रात में जो है हमें चिप्स बना दिएगा सुबह लंच में, तो इसलिए मैंने सुबह उठते ही जो है फ्राइज बना के उनको दे दी थी। और लंच में रमज़ान शरीफ आने से पहले ये होता है कि हम लोग अपने घरों को साफ़ करवा लें, अच्छे से काम करवा लें घरों में, जो भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। मैं तो घर को बिल्कुल टाइम नहीं दे सकती हूँ, दे पाती, कुछ सुस्ती कह लें, कुछ तबीयत का और बुकिंग्स का इशू होता है, कुछ कोई ना कोई इशू होते हैं, तो मैं नहीं दे पाती। तो मुझे अभी भी ज़ुकाम हो गया, पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी तो सर्दी भी नहीं है गर्मी भी नहीं है, लेकिन ये जो वेदर होता है ये और मज़ीद आपकी तबीयत ख़राब कर सकता है। मेरी स्किन भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, मैं बिल्कुल केयर नहीं कर रही हूँ अपनी। और बच्चे जो है आने वाले हैं, सुहेल थोड़ा सा रेस्ट करने लग गए थे, तो मैं अहमद के साथ जाग रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं अभी सो सकती क्योंकि फिर ये अकेले खेलता रहेगा, परेशान हो जाएगा। अच्छा, मेरी एक दोस्त हैं जो मेरी यूट्यूबर फॉलोवर हैं, और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है हमारी, बहुत अच्छी इस्लाम दो हो गई है। उनकी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ साथ जो है घर का थोड़ा सा, वो मेरी बहनों की तरह है, मासी नहीं है, मैं उनको बिल्कुल मासी वासी नहीं कहती, वो इतना साथ देती हैं, मेरे घर की सफाई करवाती हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मियाँ ओके, मियाँ देख लें अहमद की एमोजी बनिए, हाय हेलो कह दो अहमद, आओ मेरे दोस्तों को हाय कह दो प्लीज़। अच्छा, तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, मेरी यूट्यूबर फ़ैन है, और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है मेरी उनसे, बहुत अच्छे हम लोगों ने सलाम दुआ करी, अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे से डिस्कस किया, बहुत ही पसंद आई मुझे उनकी आदत, और वो बहुत ही अच्छी आदत की मालिक है। क्या बेटे, ग्लास दे दूँ? नहीं, आपको लग जाएगी। तो उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि महक आप जो है मुझे अपने सैलून का थोड़ा सा विज़िट कराएं, कि आपने घर में सैलून कैसे सेटअप किया हुआ है, तो मैं आपको लेके चलती हूँ, मैं उल्टा चलती हूँ, ठीक है? तो मैंने जो है अपने घर में ही सैलून किया हुआ है, ये मेरे घर से बाहर निकलने का सारा एरिया है, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें सब बाहर निकाल दी थी, और ये मेरा कारपोच वगैरह है, वो जनरेटर वगैरह सारा सिस्टम है। ये रहा पार्लर का दरवाज़ा, और ये रहा मेरा पार्लर, इस तरीके से जो है पार्लर बना हुआ है कुछ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी जो दोस्त होती हैं मुझसे कोई रिक्वेस्ट करती हैं, मुझसे बात करती हैं, और लाइक करती हैं मुझे। सही से अभी वीडियोस वगैरह ठीक से बनानी नहीं आती, मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, तो मुझे अच्छा लगता है यार, क्योंकि किसी आज के दौर में कोई किसी को अच्छी एडवाइस भी देता है तो ये भी सुन्नत रसूल है, और ये भी बड़ी बात होती है कि आप लोगों को कोई अच्छे वक्त में अच्छे बोल बोलते हैं, आप लोगों को किसी चीज़ के लिए गाइड कर दे। तो ये देख सकती हैं स्पेशल ये वीडियो सायरा के लिए बन रही है, सायरा ये देख सकती हैं छोटा सा सैलून है मेरे घर में ही मैंने सेटअप किया हुआ है, ये मेरा कारपोच का एरिया था, तो इसको मैंने कुछ इस टाइप से सेट कर लिया। तो ये पार्लर की जो मैं वीडियो है मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला जो पोर्शन है मैंने खाली रखा हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा यूज़ में नहीं आती हैं चीज़ें, बाकी ये मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुझे किसी ने तोहफ़ा दिया था,
ये उनका कदम का मुबारक का निशान है। ये जो लाइटें हैं ये मसल से रखती हूँ, ये अच्छी लगती हैं अंधेरे में भी। जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ दरवाज़ा बंद करके, तो ये इस टाइप से खाने काबा है बना हुआ है। मुझे अच्छा लगता है तो मैं ज़ियारत के लिए लगा के रखती हूँ। और ये कुछ इस टाइप से लाइटें रखी हुई हैं, कुछ यहाँ पे हेयर की सारी प्रोडक्ट रखी हुई है, और यहाँ पे फेशियल्स रखे हुए हैं। जेंसेंस का फेशियल है ओरिजिनल, और यहाँ पे गोल्ड फेशियल है और वाइटनिंग फेशियल है। एसबी है, एसबी ख़त्म हो चुका है। ये मेरा भतीजा है। और वो जो लास्ट में वो चीज़ें हैं जो रेगुलर यूज़ में आती हैं, थ्रेड वगैरह हो गए। ये दो चेयर्स रखी हुई हैं यहाँ पर, और उधर हम लोग जो है हेयर वगैरह वॉश करवाते हैं, कलरिंग वगैरह होती है। तो अच्छा, ये जो मेरा एक्वेरियम है ये इसको रिपेयर करवाऊंगी। ये बिल्कुल अभी ख़राब हो चुका है, मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं उनको बुला के रिपेयर करवा दूं इसे। इसकी जो फिशेस थी वो मैंने निकलवा दी थी, क्योंकि इसका ऑक्सीजन ख़राब हो गया था। ऑक्सीजन की वजह से फिशेस को प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में, तो मैंने अपने भाई के एक्वेरियम में डलवा दी थी, तो वहाँ पर वो सेफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ इस टाइप से है। और ये मैंने स्पेशल वीडियो जो है सायरा के लिए बनाई है, जिनकी रिक्वेस्ट थी कि मुझे आपका सैलून देखना है। मेरा घर में ही सारा सेटअप है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चलता है। शुक्र अल्लाह ताला का, जितना शुक्र अदा करें हम कम है उसकी नेमतों का, उसकी रहमतों का दी हुई। और कुछ इस टाइप से छोटा सा है, और आई होप कि अच्छा लगा होगा सायरा आपको और मेरी पूरी यूट्यूब की फैमिली को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो ये मेरा रूम है, मतलब ड्राइंग रूम होता है बाहर का। ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, सारा को रूम भी दिखा देती हूँ। और ठीक है, और ये छोटी सी डाइनिंग एरिया है मेरे घर का। ठीक है, किचन में फिर कभी दिखाऊंगी। किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है, किचन को तो छोड़ ही दें। वो मेरा बेडरूम है और ये मेरे बच्चों का बेडरूम है जो हर वक्त फैला हुआ रहता है। अभी भी देखिए फैला हुआ ही है। ये कुछ इस टाइप से है, उनका कंप्यूटर वगैरह सब चीज़ें रखी हुई फैली हुई। इसको अब समेटूंगी वीडियो कंप्लीट करने के बाद, और आज की जो वीडियो है वो रात तक चलाएंगे आपके साथ डेट में, जो भी हम लोग अच्छी अच्छी कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ ज्वाइन रहूँ, आप लोग के साथ मिलकर रहूँ, अपनी अच्छी और खुशियाँ और गम सब कुछ आप लोगों के साथ बांटूँ। अच्छा लगता है, बहुत प्यार मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है सब कुछ। तो पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ ज्वाइन रहूँ। ठीक है, और बाकी की वीडियो थोड़ी देर बाद। मामा गंदी, यस ये गंदा है। अच्छा, तो ये मूज है, इसके बारे में मैं बता देती हूँ। ये होता है हेयर प्रोटेक्ट के लिए, हीट प्रोटेक्ट के लिए, और इसको लगाने से जैसे हमें कर्ल्स करने होते हैं, स्ट्रेट करना होता है, तो इसको अगर हम यूज़ करते हैं मूज को, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि आपके बालों पे हीट नहीं लगती है, और जो आप स्ट्रेट करते हैं या अपने बालों में कर्ल्स वगैरह करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग चलता है, मतलब कि अच्छे से रिजल्ट रहता है, आगे तक रहता है। तो मूज़ या हीट प्रोटेक्टर कोई भी सीरम यूज़ करना अच्छा होता है आपके बालों के लिए। तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं मूज़ की बॉटल्स। ओके, तो मैं कहाँ पर थी कि अच्छी एडवाइस देना, किसी से बात करना अच्छे खलूस से, अच्छे अखलाक से, तो ये सुन्नत रसूल है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आज के दौर में कोई आपको यार कसम से कुछ भी कौन। अच्छा, बाहर जो ना इस वक्त वो आए जो सांप वगैरह नहीं होता है वो इस टाइप से आए, तो मैंने कहा आपके पास सांप है, तो बोलते हैं हाँ है। मैंने कहा आप मुझे दिखाएं, और मैं वो देखने जा रही हूँ, आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। सुहेल को नहीं बताऊँगी, वो गुस्सा होते हैं, डांटते हैं, कहते हैं इस तरह दरवाजे पर नहीं जाया करो, इस तरह से किसी से बात नहीं किया करो, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। लेकिन अहमद, आपको स्नैक देखना है, स्नैक देखना है, तो स्नैक देखें। शबास, 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 आना बाहर जल्दी आओ। वो स्नैक दिखा रहे हैं ना उनको, ये उनको पैसे भी दे देना। क्या दिखा रहे हैं? वो स्नैक दिखा रहे हैं, सांप यार उनके पास जो होता है, बीन बीन बजाते हैं कुछ। तो मुझे वीडियो बनानी है, थोड़ा मेरे साथ खड़े होना आके। सुहेल को नहीं बताना, गुस्सा करेंगे। आ जाए, मैं जा रही हूँ स्नैक देखने, आप लोग भी चले मेरे साथ। थोड़ा ये सांप है, थोड़ा सुस्त, थोड़ा हुआ है, छिलकी उतारी हुई है ना, इसलिए थोड़ा नीचे छोड़ता है। शिट, नहीं कुछ नहीं करेगा। नाम क्या है इसका? ये काला ब्लैक कोबरा, एक तो मन का निकाला सांप। अहमद इधर आओ, अहमद कभी देख के जाएगा घर। माय गॉड, परेशानी के लिए, दुश्मन के लिए।
परेशानी तो अल्लाह दूर करता है। What is this? Black cobra. Black cobra. Black cobra. वगैरह नहीं बजाता तीन है कौन है ये देखता है छिलकी उतारी है ना। मैंने देखा और माशाल्लाह अल्लाह की शान है हर चीज हर नेमत। और ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा था ब्लैक कोबरा। ये वीडियो सुहेल देखेंगे मुझे बहुत डांटेंगे। शुक्रिया अल्लाह ताला का कि इस वक्त शहबाज घर में था तो मैंने उसको उसकी हेल्प ली और उसको कहा मुझे देखने। और अहमद तो बहुत है एक्साइटेड हो रहा था उसको देख के क्योंकि अहमद ने फर्स्ट टाइम ही देखा है। सुहेल बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और सीन ऐसा हो रहा था कि सामने से मेरे भाई भी जा रहे थे तो मैं उस वक्त बिल्कुल ही ऐसी हो गई कि ओ शिट अब तो गई। तो खैर मैं फिर अंदर आ गई थी मैंने उस भाई को खैर वैर जो भी थी दी और अंदर आ गए हम लोग। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पे अगर न्यू है तो लाइक कर दें शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा महक को महक की फैमिली को महक की यूट्यूब फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।